गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, हमने यौगिक सारे पूरे कर लिए थे, लास्ट में हमने पढ़ा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, आज हम पढ़ेंगे साबुन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? साबुन के बारे में। तो पार्ट कौन सा चल रहा था हमारा? पांचवा, दैनिक जीवन में रसायन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? साबुन के बारे में। साबुन, आप सभी को पता होगा कि साबुन हम ज़्यादातर तो सभी दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, लेकिन ये किस तरीके से बनते हैं, इनका निर्माण किस तरीके से होता है, किस तरीके के साबुन कैसे होते हैं, इनमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं, ये सारी डिटेल में हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, साबुन क्या होते हैं? ये होते हैं लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बन्स होते हैं, लंबी संख्या वाले क्या? कार्बन, यानी जिसमें कार्बन की संख्या कितनी? C12 से C18। अभी बात सुन में, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन जो परमाणु होते हैं उनमें कार्बन की संख्या 12 से 18 के बीच में, इसके उच्च वसा अम्ल C12 से C18 के उच्च क्या वसा अम्ल उच्च वसा अम्ल क्या होते हैं? लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या कितनी? 12 से 18 के बीच में होती है और उच्च वसा अम्ल होते हैं, और इनके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन को हम क्या कहेंगे कि लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या 12 से 18 के बीच में हो, वो उच्च वसा एसिड होते हैं और उनके सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। तो ये होते हैं साबुन, मतलब किससे? उच्च वसा अम्ल होंगे, उच्च वसा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराएंगे और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा होगा साबुन। चलो आगे देखते हैं। अब ये उच्च वसा अम्ल होते कौन कौन से? तो कुछ उच्च वसा अम्ल के हम नाम देख लेते हैं। वसा अम्ल कौन कौन से देखो, पहला वसा अम्ल हम लेते हैं स्टेरिक एसिड, स्टेरिक अम्ल, ये उच्च वसा अम्ल हो सकता है। दूसरा हो सकता है हमारे पास पॉमेटिक एसिड, ये भी उच्च वसा अम्ल होता है, ये हमें उपलब्ध होता है बाजारों में। और क्या हो सकता है? ऑलिक अम्ल हो सकता है, ऑलिक एसिड, ऑलिक अम्ल। इसका फॉर्मूला हम देखें तो C18H36O2, कितने हुए कार्बन की संख्या? 18। मैंने क्या कहा, कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 से लगा के 18। निम्न कार्बन श्रृंखला वाले साबुन नहीं बनाएंगे, कौन से? उच्च कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या 12 से 18 और उसके क्या होने चाहिए? उच्च वसा एसिड्स होने चाहिए जिसमें कार्बन की संख्या 18 हो। पोमेटिक एसिड C16H32O2, ऑलिक एसिड C18H34O2। तो ये उच्च वसा एसिड्स हैं। क्या है? वसा अम्ल। तो स्टेरिक अम्ल C18H34O2, पॉमेटिक अम्ल C16H32O2 और ऑलिक अम्ल C18H34O2। इन सब में कार्बन की संख्या कितनी है? 18 है, इसमें 16 है, इसमें 18। तो उच्च वसा अम्ल ये है, इनकी क्रिया किसके साथ कराई जाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, और किसका निर्माण किया जाता है? साबुन का। और हमने साबुन के गुण क्या देखे थे कि इसका जो जलीय विलयन होता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है जलीय विलयन। अगला और क्या देखा कि ये इसका जो जलीय विलयन होगा वो क्या होगा? लाल लिटमस पत्रों को कैसा कर देगा? लाल को नीला कर देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सार का गुण, भाई जलीय विलयन क्षारीय हुआ तो सार का गुण क्या होता है? लाल लिटमस पत्रों को नीला। फिर ये कैसा होता है ताप पर? अगर सामान्य ताप पे देखें, सामान्य ताप पर ये क्या हो जाएगा? सामान्य ताप पर ये नरम होता है, ठोस होता है, अवाष्पशील होता है। ये तो कुछ गुण है ये इसके, क्या होता है? अवाष्पशील। तो क्या है देखो, साबुन क्या होगा? जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाले या दीर्घ कार्बन श्रृंखला C12 से C18 के उच्च वसा अम्ल और इनका सोडियम या पोटेशियम लवण होता है साबुन।
कौन सा उच्च अम्ल हो सकता है? स्टेरिक एसिड हो सकता है, सी अठारह एच छत्तीस ओ टू, कॉमेटिक एसिड हो सकता है, सी सोलह एच बत्तीस ओ सिक्स, और ऑलिक अम्ल हो सकता है सी अठारह एच चौतीस ओ टू। जल्दी विलीन इसका कैसा होगा? क्षारीय। ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर सकता है? नीला, क्योंकि क्षारीय की प्रकृति होती है लाल को नीला करना, और सामान्य ताप पर यह नरम भी हो सकता है, ठोस और अवाष्पशील होता है। आई बात समझ में? साथ ही साथ अब इसका हम पढ़ते हैं निर्माण। अब इसका निर्माण किस तरीके से, उसकी रिएक्शन हम देखते हैं। तो देखो निर्माण, इसका निर्माण किस तरीके से होता है, ध्यान से समझना। हम उच्च वसा अम्ल, इसमें से कोई भी एक उच्च वसा अम्ल लेते हैं। मान लिया हमने उच्च वसा अम्ल लिया CH2OCOOR, CHCOR, और एक लिया CH2COR। ये एक उच्च वसा अम्ल है। क्या है? उच्च वसा एसिड, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अम्ल। इसमें से कोई भी R का मतलब यहां क्या है, एल्किल समूह से। क्या है? एल्किल। R का मतलब हो सकता है CH3O CH4, तो ये 18 16 या कोई भी श्रृंखला इसमें से कोई भी हो सकता है। तो मैंने यहां R ले लिया। इस R का मतलब यहां पर क्या है, एल्किल समूह, एल्किल समूह। इसमें भी कार्बन की कुल मिला के कार्बन यहाँ पर कितना है, जैसे इस आर के अंदर तो कुल एक दो तीन ये, और बाकी सब इसमें एल्किल समूह के अंदर, आर के अंदर ये सारे कार्बन होंगे। तो मान लिया ये एक ने उच्च वसा अम्ल लिया। अब मैंने क्या, उच्च वसा अम्ल के क्या है, सोडियम या पोटेशियम लवण, यानी इस उच्च वसा अम्ल की हम क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो मैं तीन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? तीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तीन सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें या तो मैं ऐसे लिखूं, या तीन तरफ यहां लिख दूं NaOH, NaOH और NaOH। तो निर्माण की रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि उच्च वसा अम्ल लिया, उसकी क्रिया हमने किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि हमने क्या लिखा है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन C12 से C18 उच्च वसा अम्ल, और इनके क्या होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम लवण। तो अब इसकी क्रिया हम जैसे ही इससे कराते हैं, तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है CORNA, ये कहलाता है हमारा साबुन, ये अलग हो जाता है, ये वाला पार्ट। बताओ, तो ये उस वैसा एसिड हो गया, उच्च वसा अम्ल हो गया, उसकी क्रिया किससे कराई, तीन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु लिए, जब क्रिया कराई तो ये वाला पार्ट अलग होके तो क्या बन गया, बताओ, RCONA। इसी को हम क्या कहते हैं, साबुन। कितने बने, तीन बने, तो ये हो गया तीन। तो RCONA ये क्या कहेंगे हम, साबुन। पीछे क्या बचा, देखो CH2 यहाँ सीधा OH, इससे CHOH और CH2OH, तो साथ में हमारे पास बना CH2OH, CHOH और CH2OH। इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। आई बात सुनो, तो साथ में क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो किससे क्रिया कराई हमने, उच्च वसा एसिड जो है CH2COR, CHCOR और CH2COR, ये उच्च वसा एसिड है, इसमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये R लिया, फिक्स नहीं बताया R, इसका मतलब कोई भी एक हो सकता है। उसके साथ हमने किसकी क्रिया कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या किसके साथ, इसकी क्रिया किसके साथ करा सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करा सकते हैं। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो ये Na की जगह क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। Na की जगह क्या आ जाएगा, K। अगर मैं इसके साथ या तो KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी की भी क्रिया करा सकता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने आगे पढ़ा, कास्टिक सोडा। तो उच्च वसा अम्ल की क्रिया किससे कराई हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे CORNA, RCONA, इसको हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, ये क्या है, साबुन। अब इसको क्या करते हैं, इस साबुन को वापस डाला जाता है NaCl में। किसमें डाला जाता है, NaCl। ये जो साबुन बना है इसको किसमें डाला जाता है, NaCl में डाला जाता है। जैसे इसको NaCl में डालते हैं तो एक लिक्विड बनता है, उसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें तो क्या आ जाता है हमारे पास, ये पूरा साबुन अलग हो जाता है, और नीचे जो पार्ट में क्या रहता है, ग्लिसरॉल। तो उसको हम अलग करते हैं, ग्लिसरॉल को नीचे से बाहर निकालते हैं, और पीछे जो हमारे पास प्रोडक्ट बचता है वो हमारा साबुन होता है। तो जो ये साबुन बना है इसको किसमें डाला जाता है, NaCl के घोल में। NaCl जब इसके अंदर डाले जाते हैं तब ऊपर की ऊपर वाले पार्ट में तो क्या रह जाता है, साबुन, और नीचे वाले पार्ट में ग्लिसरॉल रहता है, और फिर ग्लिसरॉल को क्या कर लेते हैं, अलग करते हैं। तो आई बात समझ में, निर्माण किस तरीके से होगा, उच्च वसा अम्ल के साथ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से क्या बनता है, RCONA, जिसे हम क्या कहते हैं, साबुन।
और इस तरीके से ये ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण होता है। इसको NaCl के अंदर डालते हैं और NaCl के डालते हैं तो ऊपरी पार्ट के अंदर तो साबुन बन जाता है और नीचे वाले पार्ट के अंदर ग्लिसरॉल बनता है, जिसे हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अब आगे हम पढ़ते हैं। ये तो हुआ हमारे पास साबुन, अब इसके कुछ गुण हम देखते हैं। देखो, अगर मैं इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ अगर NaOH की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करता हूं, यानी क्या करता हूं, अगर मैं इसके साथ Na की जगह क्या करता हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी CrCOO, अगर K है तो ध्यान रखना ये कैसा होता है, मधु साबुन होगा, यानी झाग ज्यादा देगा, ज्यादा झाग देगा, ज्यादा देगा। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, अगर इसके साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करें तो ये मधु साबुन बनेगा, झाग ज्यादा देगा। और इसका उपयोग हम करेंगे सेविंग, जो साबुन आते हैं, क्रीम आती है, उनमें सेविंग के अंदर, शैम्पू के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर हम उच्च वसा अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया न करा के अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएं तो कैसा साबुन बनेगा, मधु साबुन बनेगा, जो झाग ज्यादा देगा। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, सेविंग क्रीम में, और सेविंग जो साबुन बनते हैं उसमें और शैम्पू के अंदर यूज करते हैं। साथ ही साथ अब जो ये साबुन बना है इसके अंदर अगर हम ग्लिसरीन मिलाए, इस साबुन में क्या मिलाएं, ग्लिसरीन, अगर साबुन में क्या मिला दें, ग्लिसरीन मिला दें, ग्लिसरीन, तो ये जो साबुन बनेगा ये कैसा होगा, पारदर्शी साबुन। आपने देखा होगा कि मार्केट में पियर्स वगैरह मिलते हैं, पारदर्शी साबुन मिलते हैं, तो पारदर्शी साबुन में क्या मिलाते हैं, ग्लिसरीन। साबुन के अंदर ग्लिसरीन अगर मिलाते हैं तो साबुन कैसा बन जाएगा, पारदर्शी बन जाएगा। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में पियर्स वगैरह जो होते हैं साबुन, जो कांच की तरह दिखते हैं, उसमें क्या मिलाया जाता है, उस साबुन के अंदर ग्लिसरीन। आई बात समझ में? तो क्या है, अगर पोटेशियम में हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराऊंगा, ये न करके ये करा दूं, ये भी तो भाई है, मैंने क्या लिखा है, सोडियम और पोटेशियम के लवण, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की न करके मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो ये मधु साबुन बनेगा, झाग ज्यादा देगा। इसका उपयोग सेविंग शैम्पू में करते हैं, सेविंग में और शैम्पू में। और साबुन के साथ अगर ग्लिसरीन मिलाते हैं तो कैसा बनेगा, पारदर्शी। अगली बात, ये साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है, कठोर जल में झाग नहीं देता है, कम देता है, झाग नहीं देता, कठोर जल में झाग नहीं देता। क्यों? क्योंकि कठोर जल में हमने पढ़ा था कि कठोर जल में किसकी अशुद्धि, एक तो होती है कैल्शियम क्लोराइड और एक होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां पाई जाती है कठोर जल में। कठोर जल में किसकी अशुद्धियां पाई जाती है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो ये साबुन उनके साथ आसानी से झाग नहीं देता। क्यों नहीं देता है ये भी समझो, कि जो ये साबुन है हमारा RCONA, जब इसके साथ कठोर जल आता है तो कठोर जल में अशुद्धियां किसकी होती है, CaCl2 की। इस साबुन के साथ जब कठोर जल आ जाता है यानी MgCl2 या फिर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियां जब होती है पानी के अंदर, जब ये आता है तो ये इस Na को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं और खुद इसके पास जाके जुड़ जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, RCOOMG या फिर बना देते हैं RCOOCA। तो खुद इसके साथ जाके जो Na को तो कर देते हैं बाहर और खुद उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये कैसा होता है, अघुलनशील, अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है, अघुलनशील। तो जो हमारी अशुद्धियां होगी वो पानी में ऐसे की ऐसी बनी रहेगी। तो ध्यान रखना कि साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता, तो क्या है, कठोर जल में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां पाई जाती है। ये अशुद्धियां क्या करती है, साबुन के साथ क्रिया करती है, Na को बाहर कर देती है, खुद उसके साथ जाके ये धातु जुड़ जाती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम जुड़ जाती है, और ये जो पदार्थ बनता है अब ये कैसा होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है। अब इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इसको हटाना, तो इसके साथ फिर हम साबुन के साथ यूज न करके किसका उपयोग करते हैं, अपर मार्जक का। लेकिन कठोर जल के साथ झाग कौन देता है, अपर मार्जक, जो हमारे डिटर्जेंट जो पाउडर होते हैं वो कठोर जल के साथ झाग दे देते हैं। तो इसकी जगह हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, साबुन की जगह अपर मार्जक का उपयोग किया जाता है। जब हमारे पास कठोर जल होता है तो किसका उपयोग किया जाएगा, अपर मार्जक का उपयोग किया जाएगा। तो बात समझ में आ जाए ये। तो क्या होते हैं साबुन, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन जिसमें कार्बन C12 से C18 के उच्च वसा अम्ल और उनके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये देखो, सोडियम उच्च वसा अम्ल के सोडियम या फिर क्या होते हैं, पोटेशियम लवण के, ये वाला सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं।
उच्च वसा अम्ल कौन कौन से, नाम याद रखना, स्टेरिक एसिड, पॉमेटिक एसिड, ऑलिक एसिड, स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, और भी बहुत सारे होते हैं इनके साथ। सी अठारह एच छत्तीस ओ टू, इसका फॉर्मूला सी सोलह एच बत्तीस ओ सिक्स ओ टू और सी अठारह एच चौंतीस और ओ टू, ये इनके फॉर्मूलेज हैं। अब इनका जो जलीय विलय होता है साबुन का वो क्षारीय होता है, क्षारीय होगा तो लाल को नीला करेगा, सामान्य ताप पर नरम ठोस और ये अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। रिएक्शन देखें तो हम क्या है कि उच्च वसा अम्ल है, उच्च वसा अम्ल यानी तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, फिक्स मैंने नहीं लिखा है या आ लिखा है इसका कोई भी हो सकता है, उसके साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास RCUNA ये बन जाएगा साबुन, या फिर ये NA की जगह ये भी हो सकता है पोटेशियम हो सकता है, और इसके साथ में क्या बनेगा गिल्सोल बनेगा। ये जो साबुन बना है इसको किसमें डाला जाता है, NaCl के घोल में, इससे दो विलयन बनते हैं। इस तरीके से घोल में जैसे डालते हैं तो इसमें दो पार्ट बनेंगे, ये ऊपर की तरफ ये साबुन होगा और नीचे की तरफ जो होगा वो क्या होगा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन नीचे की तरफ होगा ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन को अलग कर लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो ये साबुन है उसको हम अलग कर लेते हैं, है बात समझ में। फिर इसके बाद अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह यूज़ करें तो ये साबुन कैसा बनेगा, मधु बनेगा, झाग ज़्यादा देगा, जिसका उपयोग हम सेविंग में और शैम्पू में करते हैं। अगर साबुन के साथ हम ग्लिसरीन मिलाते हैं तो कैसा बनेगा, पारदर्शी साबुन बनेगा। जैसे हम मार्केट के अंदर देखते हैं बहुत सारे कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की क्या होती है अशुद्धियाँ होती है, ये अशुद्धियाँ क्या करती है इसके साथ NA को बाहर कर देती है, खुद उसके साथ जुड़ जाती है और जो प्रोडक्ट बनता है जो पदार्थ बनेगा वो पानी में कैसा होगा अघुलनशील होगा, तो अशुद्धियाँ हमारी ऐसे की ऐसी बनी रहेगी, मैल ऐसा का ऐसा बना रहेगा, यही बात समय। तो अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन की जगह हम किसका उपयोग करते हैं, अपर मार्जक करते हैं, क्योंकि अपर मार्जक के साथ इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है और वो जल में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं, तो ये क्या था साबुन। अब नेक्स्ट हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपर मार्जक, क्या पढ़ेंगे अपमार्जक पढ़ेंगे उसके बारे में, समझ गए। तो ये था साबुन, फिर हम अपर मार्जक और साबुन के क्या पढ़ेंगे अंतर पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना, वापस वीडियो को पॉज करना, रिपीट करना और देखना बार बार सारी चीज़ों को, तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से वो हमें करने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।